नमस्कार दोस्तों, आज का आप सभी का एक बार वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। और आज रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, चित्रों की गणना। देखो, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है काउंटिंग द फिगर्स। अब देखो, काउंटिंग द फिगर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पर देखना। चित्रों की गणना, देखो रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर होता है जो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो SSC, बैंक या स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम होती है, जहाँ पर भी रीजनिंग आती है वहाँ पर ये चैप्टर आता है, चित्रों की गणना। हमें क्या करना है, आकृति गिननी पड़ती है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या होते हैं। देखो, एक त्रिभुजों की संख्या होती है। देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, एक त्रिभुजों की संख्या होते हैं, एक हम पढ़ते हैं वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं, तीसरा हम आयत की संख्या ज्ञात करते हैं, रेक्टेंगल आयत की संख्या ज्ञात करते हैं, चौथा हम जो यहाँ पर ज्ञात करते हैं वो चतुर्भुज, चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करते हैं यहाँ पर देखना, पांचवा समांतर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करते हैं, इसके अलावा देखो अगर हम बात करें यहाँ पर देखना, अगर मैं छठे की बात करूँ तो हम घनों की संख्या ज्ञात करते हैं, घनों की संख्या भी इसमें ज्ञात करते हैं। देखो इसके अलावा सात, मैं अगर सातों सरल रेखाओं की संख्या, सरल रेखाओं की संख्या भी ज्ञात करते हैं इसमें। और देखो आठवां मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सरल रेखाओं की संख्या, और आठवां होता है वृत्तों की संख्या। ये इतने होता है, त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, घनों की संख्या, सरल रेखाओं की संख्या और वृत्तों की संख्या, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। देखो एग्जाम की दृष्टि से त्रिभुज, वर्गों की संख्या, आयत की संख्या, चतुर्भुज कई बार, और देखो सरल रेखाओं की संख्या और घनों की संख्या, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। और देखो इसके लिए क्या ट्रिकें लगेगी, हम शॉर्ट ट्रिक का भी काम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखना त्रिभुज, आपको संख्या निकालनी है त्रिभुजों की। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा इसका बेसिक बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे ये त्रिभुज, समझा कितना है, एक खंड का त्रिभुज मैंने लिखा, एक खंड वाला ये त्रिभुज हो गया। ये जो भी ऐसी आकृति होगी ये क्या कहलाती है, त्रिभुज। अब देखो जैसे मैंने लिया यहाँ पर देखना, अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पर देखो एक बार, देखो ट्रिक क्या लगती है कि जब भी वर्टिकल लाइन हो, मतलब शीर्ष से गुजरने वाली लाइन, शीर्ष से चाहे कितनी भी लाइनें गुजरे, तो देखो ट्रिक क्या होती है यहाँ पर देखना। मैंने क्या लिखा, एक और दो। अब मुझे बता, एक और दो आपने गिनती लिखी, काउंट करना है। देखो एक दो, अब वन प्लस टू कितना हो जाएगा, तीन। इसका मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तीन हो जाएगी। देखो आप गिन के भी कर सकते हो, देखो गिन के क्या करना है, सबसे पहले एक खंड वाले, एक खंड का मतलब होता है केवल एक खंड से मिलकर बना त्रिभुज। मुझे होता है ये वाला त्रिभुज, देखो ये एक और ये दो, एक खंड वाले कितने त्रिभुज है, दो। ऐसे ही बोलो दो खंड, इसका मतलब क्या होगा, दो खंडों से मिलकर, मुझे बताओ एक और दो, इन दो खंडों से मिलकर जो त्रिभुज बना, देखो ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज एक हो जाएगा, कितना हो गया, तीन। तो देखो ट्रिक क्या काम करती है यहाँ पर देखना, अगर मैं मान लो ऐसे लेता हूँ, चाहे कितनी भी लाइन है, एक दो और मैंने तीन यहाँ। अब देखो शीर्ष से चाहे कितनी भी लाइन खींची जाए, देखो इनका क्या तरीका होता है, आपको गिनती स्टार्ट करनी है, एक दो तीन चार। अब क्या करना है, जो भी आपने लिखी है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, अब देखो इनको जोड़ो, चार और तीन सात और दो नौ और एक क्या हो गया, दस। अब देखो ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ, देखो ट्रिक भी हर जगह काम लग जाती है, क्योंकि हम हर फिगर को गिन के नहीं गिनेंगे। अगर हम गिनने बैठ गए तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और कंपटीशन हर तरह से आपको हर चीज़ लेके चल रही है, जहाँ ट्रिक लगे वह ट्रिक और जहाँ तरीका लगे वह तरीका। अब जैसे देखो मैंने ऐसे दिया यहाँ पर देखना, मैंने मान लो ये देखना, चाहे कितना भी बड़ा बना लो सिर से, देखो एक यहाँ से सिर से मैं कितनी भी लाइन खींच रहा हूँ, मैंने पूछा बताओ इस चित्र में या इस डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, आप क्या करोगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब क्या करोगे, जो भी गिनती लिखी है उसको प्लस कर लो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, गिन लो इनको।
छः और पाँच 11, 11 और चार 15, 15 और तीन 18, 18 और दो 20, और एक कितने हो जाएंगे 21 त्रिभुज इसमें आएंगे। तो देखो ये होती है अपनी ट्रिक होती है कि हम अगर शीर्ष से चाहे कितनी भी लाइन खींची जाए हमें क्या करनी है, 1, 2, 3, 4 इसका मतलब वर्टिकल लाइन, शीर्ष से चाहे कितनी भी लाइन खींची जाए हमें गिनती गिन के बस उनको प्लस कर लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर और कैसे होगा, यहाँ पर देखना एक बार। अब देखो मान लो अगर ऐसा आ जाए, समझना यहाँ मैंने ऐसे दिया। अब देखो अब की बार क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, अब मुझे तो कितनी लाइन है देखो 1 और 2, जितनी लाइन उतने जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो मैं कह रहा हूं जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही त्रिभुज, उतने ही क्या बन जाएंगे त्रिभुजों की संख्या होगी उतने ही त्रिभुज। अब मुझे होता है यहां पर कितने 1 और ये 2, तो इसका मतलब 2 त्रिभुज, कितने त्रिभुज हो जाएंगे 2। अब देखो मान लो जैसे मैंने ऐसे बना दिया, आपसे पूछा गया बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे, आपको कुछ नहीं करना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी क्षैतिज लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने त्रिभुज हो जाएंगे 6 त्रिभुज। अब देखो और ट्रिक क्या होगी, देखो जैसे मैंने ऐसे लिया यहां पर देखना, अगर मान लो ऐसा भी आ जाए जैसे समकोण त्रिभुज है, मैंने यहां पर भी 1, 2, 3, 4 और ऐसे मान लो ये 5, तो देखो इसमें भी अगर ऐसा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है जितनी लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने त्रिभुज बनेंगे 6 त्रिभुज। अब देखो क्या करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो लेते हैं, यहां पर देखना। अब मैंने क्या कहा, ये देखो वर्टिकल लाइन खड़ी लाइन और एक मैंने लिया, आपसे पूछा गया बताओ इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या है। अभी देखो ये सबसे पहले शीर्ष से वाली लाइन का हमने देखो कैसे गिना था, 1 और 2, 1 और 2 कितने हो गए 1 + 2 जोड़ो कितने हो गए 3। और मुझे तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या किया था आपने, 1 और 2 कितनी लाइन 2, तो 2 त्रिभुज इनका आपस में क्या करा दो गुणा, ये आपका उत्तर हो गया 6 त्रिभुज। अब देखो यहाँ पर देखना एक बार, मैंने ऐसे लिया यहाँ पर ये त्रिभुज बनाया, मैंने यहाँ पर और मैंने ये मैंने कहा बताओ इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो कितने त्रिभुज होंगे। देखो आपको सबसे पहले वर्टिकल वाला 1, 2 और 3 इनको जोड़ो, 1 और 2 कितने होंगे 3 और 3 जोड़े कितने होंगे 6। अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1, 2 और 3, तो 3 से गुणा करवा दो कितने हो गए 18 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे ही देखना यहाँ पर, मान लो अगर मैंने ऐसे लिया मान लो ये पूछा कि बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, आप क्या करोगे, देखो हमें वर्टिकल लाइन के लिए मैंने बताया कि शीर्ष से चाहे कितनी भी लाइन गुजरे 1, 2, 3 और 4 ऐसे गिना, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और एक कितने हो गए 10। अब देखो आपको देखना हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1, 2, 3 और 4 10 × 4 कितना हो गया 40 उत्तर आ गया आपका, 40 त्रिभुज बनेंगे इसमें। अब देखो अगर वहाँ पर हम ऐसे प्रश्न आ जाए और इनको अगर गिनने बैठ गए तो हमारा तो टाइम उसी में चला जाएगा, तो देखो जब ट्रिके लगती है वहाँ पर आपको ट्रिके भी लगाना आना चाहिए। अब देखो और कैसे प्रश्न आते हैं त्रिभुजों में, यहाँ पर देखो, देखो मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिया, मैंने 1 और यहाँ पर मैंने जैसे ये लिया, अब समझना इस प्रश्नों को करने का क्या तरीका होता है। अब देखो इस प्रश्नों को करने का क्या तरीका होता है यहाँ पर देखना, मैंने कहा ये है बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे। अब देखो आपको क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखो आपको सबसे पहले छोटे त्रिभुज गिनना है, देखो छोटे त्रिभुज देखो ये 1, 2 और 3 मुझे होता क्या है चौथा वाला जो होगा ये क्या त्रिभुज है, नहीं ये तो 1, 2, 3, 4 भुजाओं से बना है, इसका मतलब क्या होगा चतुर्भुज, तो छोटे त्रिभुज कितने 1, 2, 3 इनको लिखा। फिर देखो कितनी लाइन कट रही है, जितनी लाइन कटे उन कट लाइन का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, कट लाइन का स्क्वायर करना है और प्लस जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसको प्लस 1 कर देना। अब देखो आपने लिखा छोटे त्रिभुज 1, 2, 3 आपने 3 लिखा 3 प्लस,
अब कितनी लाइन काट रही है, दो लाइन, तो मुझे तो दो लाइन काट रही है तो दो का स्क्वायर किया प्लस एक। अब मुझे होता तीन, दो का स्क्वायर कितना हो गया चार प्लस एक, मुझे होता कितने त्रिभुज होंगे आठ त्रिभुज। अब देखो यहाँ पर और देखो ट्रिक बताते हैं कि और कैसे प्रश्न आते हैं देखो एग्जाम में। अगर मान लो देखो जैसे ऐसे आ जाए एक दो या तीन, देखो वहां पर कितनी लंबवत लाइन थी तीन और यहां पर कितनी, सॉरी दो थी और यहां पर कितनी है एक दो और तीन लाइन लंबवत है या तीन लाइन काट रही है। तो देखो ये भी याद किया जाता है कि जब तीन लाइन लंबवत हो तो कितने त्रिभुज बनते हैं, सोलह त्रिभुज बनते हैं तीन लाइन लंबवत हो। या देखो इसको करने का तरीका मुझे बताओ, छोटे त्रिभुज गिनो एक, अभी देखो ट्रिक बताई थी आपको, क्या बताई थी एक दो, देखो एक दो तीन चार पाँच और छः, ये छोटे त्रिभुज हो जाए आपने अच्छा लिखा। कितनी लाइनें काट रही है एक दो और तीन, जितनी लाइन काटे उनका क्या करो स्क्वायर और प्लस वन। अब मुझे होता छः प्लस नौ और प्लस वन, ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज ये प्लस वन हमने लिया, नौ और एक दस और छः कितने हो गए सोलह त्रिभुज बनेगा। तो देखो अभी मैंने बताया कि इससे पहले वाला मैंने बताया था उसमें कितनी लाइन लंबवत थी, दो लाइन अगर लंबवत होती है तो आठ त्रिभुज बनते हैं, तीन लाइन लंबवत होती है तो कितने त्रिभुज बनते हैं सोलह त्रिभुज बनते हैं। अब समझना अगर मान लो एग्जाम में कल उठ के प्रश्न ऐसे आ जाए ये और ये दे दिया और आपसे ये, अब देखो इसकी क्या ट्रिक लगानी है, अगर ऐसा त्रिभुज आ जाए तो देखो आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या लगाओगे यहाँ पर देखना। मुझे होता कितनी लाइन लंबवत है दो लाइन, और दो लाइन लंबवत के लिए मुझे होता कितने त्रिभुज बनते हैं आठ। अब मुझे होता ये क्या है आधी, मुझे होता ये लाइन क्या पूरी है या तक नहीं आधी है, तो आठ का आधा करो कितना हो गया चार, मुझे होता इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे बारह त्रिभुज बन जाएंगे। तो ये हमने किया। अब देखना यहाँ पर देखो एक और ऐसा त्रिभुज आता है, समझना यहाँ पर मैं और त्रिभुज ले रहा हूँ कौन कौन से, देखो यहाँ पर देखना देखो कई बार आपको ऐसा त्रिभुज अब देखो ये ऐसा आ जाता है डायग्राम मिस्र के पिरामिड के रूप में ऐसा त्रिभुज आ जाए चाहे कितना भी बड़ा आ जाए। अब देखो इसके मैं दो तरीके बता रहा हूँ समझना यहाँ पर। पहला तरीका क्या होगा देखो यहाँ पर लाइन गिनो, देखो एक दो तीन और चार, देखो एक दो तीन चार, इसका मतलब क्या हो गया सम संख्या में होगी तो एन बराबर कितना हो गया चार हो गया। देखो एक दो तीन चार तो एन का मान कितना लोगे चार, इसका मतलब क्या हो गया सम संख्या। अब देखो जब भी सम संख्या हो मतलब सम लाइनें हो मतलब सम संख्या के रूप में लाइन हो एक दो तीन चार, अब देखो सम संख्या के रूप में हो तो देखो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है एक बटे आठ इंटू एन गुणा एन प्लस टू गुणा टू एन प्लस वन, ये फॉर्मूला आपको लगाना है जब लाइनें किसके रूप में सम संख्या के। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक दो तीन और चार तो मुझे बताओ सम संख्या के रूप में, तो देखो यहाँ पर एन का मान लोगे एक बटे आठ इंटू मुझे होता है एन चार, चार और प्लस दो कितना हो गया छः, चार दो नहीं आठ और एक कितना हो गया नौ, अब जो चार से काटोगे आठ को कितनी बार दो और दो का भाग छः में कितनी बार तीन नौ तीन कितना हो गया सत्ताईस। अब देखो ये तरीका आप बहुत सी किताब बुकों में या बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखते तो वह पढ़ोगे, लेकिन देखो मान लो क्या एग्जाम में पता नहीं प्लस या पता नहीं गुणा था हमारी कहीं ना कहीं या एन था या टू एन था अब गलत हो जाए। तो देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको सबसे शॉर्ट तरीका, जब भी ऐसा डायग्राम अगर बना हुआ आता है तो देखो एक तरीका बताता हूँ, मुझे होता छोटे त्रिभुज गिनो एक दो, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और कितने हो गए सोलह त्रिभुज हो गए छोटे त्रिभुज। अब देखो आपको क्या करना है शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है इसमें, सोलह को जो सोलह त्रिभुज है छोटे छोटे उनका डबल कर दो और उसमें से कितने माइनस कर दो पाँच, सोलह और दो का गुणा करो कितना हो गया बत्तीस और बत्तीस में से पाँच गए तो कितने आ जाएंगे। देखो इस फॉर्मूले को याद करने देखो सम के लिए ये लगेगा फिर विषम के लिए अलग लगेगा, इसको याद के करने की बजाय अगर इस ट्रिक का आप अगर प्रयोग करते हो तो आपका उत्तर आ जाएगा और वहाँ गलती होने के चांस भी होते हैं फॉर्मूले में।
तो देखो हमने क्या किया, सबसे छोटे त्रिभुज कितने, 16, 16 का डबल किया 32, और 32 में से 5 घटाए तो कितना मिला, 27। अब देखो एक प्रश्न और लेते हैं इस पे। ऐसे मैंने ऐसे लिया, यहां पर देखना, यहाँ पर देखना, मैंने कहा इस डायग्राम में ये जो चित्र दे रखा, आकृति दे रखी है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो क्या करोगे, ये एक, ठीक है, ये दो, ये तीन, चार, और मुझे होता 5 लाइनें हैं, इसका मतलब मुझे होता है n बराबर 5, और मुझे होता 5 कैसी संख्या होती है, विषम। तो देखो विषम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पर देखना इसका। देखो पहला तरीका मैं बता रहा हूँ विषम के लिए क्या फॉर्मूला होगा। देखो आप लिखोगे 1/8 इंटू एन एन गुणा एन प्लस 2 गुणा 2n+1 और माइनस करोगे यहाँ पर। अब देखो आप लिखोगे 1/8, एन का मान कितनी लाइन है, 5, तो एन का मान 5 हो गए, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7। अब देखो यहाँ पर 5 और 2 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11 माइनस 1। अब देखना यहाँ पर 1/8, अब मुझे बताओ 7 और 11 का गुणा करोगे कितना होगा, 77, और 77 इंटू 5 अगर आप गुणा करोगे तो मुझे होता 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 35, हासिल 3, 7 × 5 = 35 और 3 कितने हो गए, 38, और 385 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा, 384 आएगा। अब देखो 384 में आप 8 का भाग लगाओगे तो मुझे होता कितनी बार जाएगा, 8 × 4 = 32, ठीक है, फिर कितना रहा, 6 रह जाएगा, 64, और 8 का भाग हो गया 48 त्रिभुज बनेगा। देखो अब हम लेते हैं वर्गों में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखना यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्गों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, यहाँ पर देखना एक बार वर्गों में त्रिभुजों की संख्या के लिए हम क्या ट्रिक लगाते हैं। देखना यहाँ पर मैंने लिया एक पहला, यहाँ पर एक बॉक्स लिया। अब देखना यहाँ पर वर्गों में हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, अब समझना, मैंने पहले ये लिया। अब देखो अगर आप इसको गिनोगे, मुझे होता कितने छोटे त्रिभुज है, 1, 2, 3, 4, 4 का आप क्या कर लो, डबल कर लो, कितना हो जाएगा, 8, ये त्रिभुज हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए बताओ इस वर्ग, ये जो आपको दे रखा है, ये चित्र डायग्राम दे रखा है, इसमें आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 4 छोटे छोटे त्रिभुज देखो, 1, 2, 3 और 4, और 4 का क्या कर देना है, डबल, और 4 का डबल कितना हो जाएगा। देखो एक बार अगर आप गिनते भी हो तो देखो कैसे हो जाएगा, समझना यहाँ पर, जैसे एक खंड का मतलब एक ही खंड, देखो सिंगल ये वाला 1, 2, 3 और 4 कितने हो गए, 4। अगर मैं को बताओ दो खंड वाले त्रिभुज, मतलब दो खंडों से मिलके बने त्रिभुज, अब देखो दो खंडों का ये वाला 1 त्रिभुज, ऐसे ये 2 त्रिभुज, और ऐसे ही मुझे बताओ ये 3 त्रिभुज हो जाएगा दो खंडों से, और देखो ये 4 त्रिभुज, मुझे बताओ 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखो जैसे मैंने ऐसे दिया यहाँ पर देखना, मैंने आपसे कहा बताओ यहाँ पर देखना एक बार, मैं एक बार आपको ये बना दिया और ये बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया, और आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, कुछ नहीं करना आपको, देखो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का डबल कर दो, 8 का डबल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 16 त्रिभुज आएंगे। तो ये वर्गों में शॉर्ट ट्रिक लगती है। अब देखो इस पर और हम प्रश्न करते हैं, यहाँ पर देखना एक बार, देखो एक प्रश्न मैंने ऐसे लिया, अब देखो इसमें मैंने कहा कि बताओ त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, तो देखो ये कितने बॉक्स से बना हुआ है, देखो इस वाले बॉक्स से 1, और देखो किससे बना हुआ है, इस वाले बॉक्स से बना हुआ है,
मतलब ये दो बॉक्सों को क्या हुआ, आपस में लाके एक नई वाली आकृति का निर्माण किया गया। अब देखो आप इस वाले में गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मुझे होता है 6 का डबल कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12 त्रिभुज हो जाएंगे। ऐसे गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12 त्रिभुज ये हो जाएगी। अब मुझे होता है यहाँ पर देखना, ये तो क्या होगा, इससे बने 12 त्रिभुज और इस बॉक्स से बने। अब देखो दोनों को मिला के कोई त्रिभुजों का निर्माण हुआ, यहाँ पर देखना एक बार मुझे बता कि देखो दोनों का मिला के, देखो ये देखो दोनों को ने साझा किया, मतलब दोनों ने गठबंधन, दोनों को मिला के देखो, अगर मैंने दोनों आकृति को पहले पास में लाया तो मुझे होता यह होगा, देखो ये दोनों को मिला के एक त्रिभुज एक किए और एक किए, कितने यहाँ से बने 2 त्रिभुज ये बने। ऐसे ही देखो यहाँ पर देखना, ये एक यहाँ पर देखना और मुझे होता ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 2 त्रिभुज और बने दोनों को मिला के, तो मुझे तो टोटल कितने हुए 12 और 12, देखो 24 प्लस 4, मुझे होता कितने त्रिभुज बने देंगे 28 त्रिभुज बनेंगे यहाँ से। अब देखो और एक डायग्राम लेते हैं, अगर देखो मान लो मैं ऐसे लेता हूँ, यहाँ पर देखना है देखो मैंने कहा त्रिभुजों की संख्या बनाओ, अब कितने बॉक्सों को 1, 2 और 3 बॉक्सों को मिला के बनाया गया ये पूरी आकृति, तो मुझे होता है 1, 2, 3, 4 कितने हो जाएंगे इसके 8 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब देखो मिला के इनको कौन से त्रिभुज बने, अब मुझे होता देखो ये इन दोनों को मिला के ये 2 बन गए, और ऐसे ही मुझे होता यहाँ पर इसको मिला के इन दोनों को मिला के इन आकृति को ये 2, तो ये 2 त्रिभुज और बन गए। अब मुझे होता टोटल कितने हुए देखो 8 और 8 16 और 8 24, और 24 प्लस 4 कितने हो गए 28 त्रिभुज का निर्माण। अब देखो और कैसे यहाँ पर प्रश्न आते हैं, यहाँ पर देखता है, देखो एक प्रश्न मैं ऐसा ले रहा हूँ, यहाँ पर देखना मैंने एक प्रश्न ऐसे लिया, अब देखो मैंने कहा बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, आपको एक चित्र दे रखा है और इसमें आकृति की गणना करनी है, वो भी कौन सी त्रिभुजों की संख्या। अब देखो आप क्या करोगे, देखो इस वाले को देखो इस छोटे को, यहाँ पर कितने होंगे 8, 1, 2, 3, 4 का डबल, ये 8 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे और ये कितने हो गए 8 हो गए। अब देखना यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कितने हो गए 8, 8 और 8 16, 16 और 8 24 और 8 कितने हो गए 32 बन गए प्लस। अब देखो मिला के क्या बनेंगे त्रिभुज, यहाँ पर देखना एक बार मुझे बताओ, यहाँ देखना देखो अगर हम ये बात करते 1, 2 हो गए, ऐसे ही मुझे बता इन दो देखो यहाँ से कितने बने 2, ऐसे ही मुझे बताओ आप यहाँ से गिनोगे ये देखो 1 और यहाँ से कितने हो गए 2 हो गए, ऐसे मुझे बताओ यहाँ से देखना एक बार ये 1 यहाँ हो जाएगा, और देखो यहाँ पर ये दोनों को मिला के ये 2 यहाँ से बने, ऐसे ही देखो यहाँ पर इन दोनों 1 और देखो यहाँ पर ये कितने बन गए यहाँ से भी 2 बन गए, मुझे कितने हो गए 2 और 2 4 और देखो 2 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। अब देखो इसके अलावा कौन से बने यहाँ पर देखना, देखो ये 1, ऐसे मुझे बताओ कौन सा बन जाएगा ये 2 बन जाएगा क्या नहीं, ऐसे ही मुझे बताइए कौन सा बन जाएगा 3 बन जाएगा, और मुझे होता है ऐसे ही ये कौन सा बन जाएगा 4 ये, तो मुझे होता है प्लस 4 ये हो जाएगा, 32 और 8 कितने हो गए 40 और 40 और 4 कितने हो जाएंगे 44 त्रिभुज बनेंगे इसमें। देखो कई बार क्या होता है कि 40 इसका ऑप्शन दे रखा हो लड़का 32 और 8, इस 4 को जो लास्ट वाले मैंने गिने उनको नहीं गिन पाता है और 40 टिक करके आता है, जबकि इसका उत्तर क्या आएगा 44 आएगा 44 आएगा, क्योंकि देखो लास्ट वाले ये भी तो है, देखो ये 1 ऐसे ही देखो ये 2 ऐसे ही ये 3 और देखो ऐसे ही ये 4 हो जाएगा,
तो इसका मतलब देखो कितने हो गए 44। अब देखो एक और मैं लेता हूँ यहाँ पर डायग्राम लेते हैं। अगर मान लो ऐसा आता है ये वाला, आपसे पूछा जाए बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ। अभी देखो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक ट्रिक बताई थी इस वाले के लिए कि जब शीर्ष से लाइन खींची जाए तो हम क्या करते हैं, 1, 2 और 3, 3 और 4, 2, 5 और कितने हो गए 6 त्रिभुज, 6 त्रिभुज इससे बन गए और 6 त्रिभुज ये बन गए। अब क्या होगा देखो इनको मिला दिया तो मुझे बताओ कोई बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मिलाने से मुझे बताओ ये नहीं होगा कितने हो गए 6, 6, 12 और 6 कितने हो गए 18। अब देखो ये वाला त्रिभुज 1 और मुझे होता है सबसे बड़ा वाला त्रिभुज 1 के हो जाएगा तो मुझे होता कितने त्रिभुज हो गए 20 त्रिभुज बन जाएंगे। ऐसे ही देखो आप, ऐसे ही अगर मान लो मैं ऐसे लेता हूं यहां पर देखना, देखो ये 1, ये 2 मैंने कहा बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या। अब देखो यहाँ से क्या होगा ये जॉइंट है लेकिन वही शीर्ष से कितनी भी लाइन जाए 1, 2, 3, 4 मुझे 4 और 3, 7 और 2 कितने होंगे 10 त्रिभुज यहाँ से बनेंगे। ऐसे 1, 2, 3, 4 4 और 3, 7 और 2 और कितने होंगे 10 त्रिभुज मुझे तो टोटल कितने होंगे 10 और 10 कितने होंगे 20 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे ही देखो मैं और एक ले रहा हूँ यहाँ पर देखना, देखो इस वाले को मैं ले रहा हूँ अब देखो मैंने कहा बताया इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। अब देखो आपको क्या करना है सबसे पहले इसको देखना है यहाँ पर देखो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 का डबल है कितने हो जाएंगे 12। अभी मुझे होता है इस वाले से मुझे होता है यहाँ से देखो शीर्ष से लाइन जा रही 1 और 2 कितने होंगे 3 त्रिभुज होंगे, शीर्ष से लाइन 1 और 2 कितने होंगे 3, 3 ये त्रिभुज होंगे। अब देखो 12 और देखो 3, 3, 6, 3, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12, 12 यहाँ पर कितने हो गए 24 त्रिभुज तो हो गए। अब देखो मिला के कितने बने यहाँ पर देखना, देखो 1 और मुझे होता है ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो मुझे होता है यहाँ से कितने त्रिभुज 2 त्रिभुज। ऐसे मुझे होता है यहाँ पर देखना एक बार, देखो ये 1 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 मुझे होता है यहाँ से भी कितने मिला के। अब देखो कोई और बनेगा क्या त्रिभुज मिला के, देखो नहीं बनेगा। अब देखो इसको क्या मिला के बनेगा, नहीं अगर ये लाइन यहाँ पर पूरी होती तो बन जाते 1 और 2 बन जाते लेकिन ये पूरी लाइन नहीं है बस केवल यही तक आपको दे रखी है तो मुझे होता 2 और 2 कितने हो गए 4 त्रिभुज ये बने तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए 28 त्रिभुज हो जाएगी। अब देखो ऐसे जैसे मैंने लिया यहाँ पर देखना, मैं एक और ले रहा हूँ जैसे यहाँ इस वाले को एक बार देखना आप। देखो यहां पर ये लिया, अब देखो यहाँ पर मैंने कहा बताओ इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। देखो इस वाले को देखो एक बार मुझे होता है 1, 2, 3, 4 चार का डबल कितना हो जाएगा 8, 1, 2, 3, 4 इसका 8 कितना हो जाएगा 8 और मुझे होता है इसका जो होगा यहाँ पर 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 त्रिभुज यहाँ से 3 त्रिभुज यहाँ से। अब देखो पहले कितने हुए 8 और 8, 16, 16 और 3, 19, 19 और 3 कितने हो गए 22 तो ये हो गए। अब देखो आपको ये देखना है कि दोनों को मिला के कितने हुए यहाँ पर देखना, मुझे होता है यहाँ पर देखना देखो ये 1 और फिर देखो यहाँ पर कौन सा हो रहा है यहाँ पर देखना ये 2 हो गए समझना यहाँ पर और कौन कौन से देखो ये 2 त्रिभुज हो गए यहाँ पर 2
ऐसे मुझे होता है यहाँ पर हो जाएंगे ये एक और ये कितने हो गए दो, यहाँ से हो जाएंगे। अब देखो कितने हो गए चार, ये हो गए दो और दो कितने हो गए यहाँ से चार हो गए। अब देखो और कोई बनेगा यहाँ पर देखना, अगर आप इसमें देखते हो अब मुझे होता कोई और त्रिभुज बनेगा यहाँ पर। ये तीन हो गए आपके, देखो ये कॉम्बिनेशन और ये वाला दोनों को मिला, और कोई त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। अब देखो इन दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो मुझे होता देखो ये वाला, ये यहाँ पर देखना ये वाला त्रिभुज, सॉरी ये वाला, ये एक और ये देखो ये दो, दोनों को मिला के हो गए कितना हो गया, यहाँ से भी कितने हो गए दो हो गए। तो मुझे तो दो दो और यहाँ पर दो हो गए, कितने हो गए छः और हो गए। तो मुझे तो 22 और 6 कितने हो गए 28 त्रिभुज हो जाएंगे टोटल। देखो एक बार इसको वापस देखना, हमने इसमें देखे 8 हो गए, इस वाले में हमने देखे कितने हो गए 1 2 3 4 8 हो गए, इसमें 3 और 3 हमने लिखा 22। इसके अलावा देखो इनको मिला के देखो ये एक और ये दो, फिर देखो ये एक और ये दो, लेकिन देखो इसके अलावा इनको अगर मैं दोनों को जोड़ लो तो यहाँ से भी तो त्रिभुज बन रहे, देखो ये एक और यहाँ पर देखो ये दो, तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए 28 त्रिभुज बनेंगे। अजो कुछ मैं स्पेशल केस बताता हूँ त्रिभुज में, कई बार देखो ऐसा प्रश्न भी आपको दे रखे होंगे। देखो एक स्टार वाले प्रश्न आते हैं, यहाँ पर देखना मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक स्टार वाला ऐसे बनाया, देखो स्टार है छः कॉर्नर वाला, 1 2 3 4 5 6, जब भी छः कॉर्नर वाला स्टार हो तो कितने त्रिभुज बनते हैं 8 त्रिभुज बनते हैं। आप गिन भी सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही मुझे होता 6 बने और मुझे होता 1 और ये 2 कितने हो गए 8 त्रिभुज हो गए। लेकिन देखो जैसे ही 5 कॉर्नर वाला आता है, यहाँ पर देखना मैं एक 5 कॉर्नर वाला बना रहा हूँ ये वाला, देखो मैंने स्पेशल केस क्यों लिखा, ये मानक प्रश्न होते हैं स्टैंडर्ड प्रश्न होते हैं, इसमें कितने त्रिभुज होंगे 8, अब मुझे होता है ये कितने कॉर्नर वाला 1 2 3 4 और 5, ये है 5 कॉर्नर वाला स्टार है, 5 कॉर्नर वाला तारा है। तो देखो आपको इसमें क्या करना है, 5 का बस डबल कर दो, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, इसमें 10 डबल। तो देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि गिनने में कहीं ना कहीं आपसे गलती होने के चांस होंगे, यहाँ पर 8 तक तो पहुँच जाओगे फिर गलती होती है। तो देखो 6 कॉर्नर आए तो 8 त्रिभुज, 5 कॉर्नर आए तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। तो ये हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। देखो मैंने आज त्रिभुजों के बारे में बताया कि चित्रों की गणना में, आकृति की गणना में हम त्रिभुजों की संख्या को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ट्रिकों के माध्यम से हम कैसे प्रश्न हल करते हैं ये बताया। कल देखो हम आयत, वर्ग और भी जो आकृति है बची हुई है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय श्री राम। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30 5 बजे तक, फिर रात के 2:11 बजे देखने की बात। चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की, वीणा पाणी की अनुकंपा से, अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि, संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन, उत्कृष्ट लगन समन्वय, समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से, पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, शानदार तालियां लोहड़ी के लिए।
पकड़ा उस पानी में डाल दिया जबरदस्त। उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया। और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के लिए।